सब्सक्राइब कीजिए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हर खबर सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के द्वारा 18 जनवरी 2018 को LTC के दौरान ट्रेवलिंग एंटाइटलमेंट के संबंध में एक इम्पोर्टेंट क्लेरिफिकेशन जारी किया गया इसके संबंध में। तो आप वीडियो को पूरा देखिए और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिए इसको, जिससे उन्हें भी इसके बारे में मालूम चल सके। तो दोस्तों, जैसे कि सरकार ने 13 जुलाई 2017 को LTC के लिए ट्रेवलिंग एंटाइटलमेंट के संबंध में आदेश जारी किया था और उसमें सरकार ने ये क्लियर किया था कि लेवल 9 से ऊपर वाले जो भी केंद्रीय कर्मचारी हैं वो एयर ट्रेवलिंग के लिए एंटाइटल्ड हैं और वो उनकी जो भी क्लास है उसके अकॉर्डिंग जर्नी कर सकते हैं। और बाकी जो केंद्रीय कर्मचारी हैं लेवल 1 से लेकर लेवल 8 तक, वो LTC के लिए एयर से जर्नी नहीं कर सकते, उन्हें उनकी जो भी इंटाइटल्ड क्लास है ट्रेन की उसी के द्वारा ही उन्हें जर्नी करनी है। लेकिन इसमें कुछ डाउट पैदा हुआ था कि जो केंद्रीय कर्मचारी एयर के लिए एलिजिबल हैं, क्या वो जो बिजनेस क्लास और क्लब क्लास है उसमें LTC कर सकते हैं। तो इसके संबंध में DOPT ने ये क्लेरिफिकेशन जारी किया है कि लेवल 14 और उससे ऊपर वाले जो भी केंद्रीय कर्मचारी हैं वो ही सिर्फ बिजनेस क्लास या क्लब क्लास में जर्नी कर सकते हैं LTC पर्पज़ के लिए, और उससे नीचे वाले जो लेवल 9 से लेकर 13 तक जो भी केंद्रीय कर्मचारी आते हैं वो उन्हें सिर्फ LTC के दौरान इकोनॉमी क्लास में ही जर्नी करनी है, तभी जाके उन्हें LTC का रिइंबर्समेंट किया जाएगा। यदि वो किसी दूसरी क्लास में जर्नी करते हैं तो उनको उसका रिइंबर्समेंट नहीं किया जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट क्लेरिफिकेशन है कि सिर्फ लेवल 14 और उससे ऊपर वाले ही केंद्रीय कर्मचारी बिजनेस क्लास या क्लब क्लास में जर्नी कर सकते हैं LTC के दौरान। बाकी रेगुलर जो टूर है उसके दौरान जो भी उनका इंटाइटल्ड क्लास बनता है उसमें वो सफ़र कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और ऐसे ही लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आप कर चुके हैं तो उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद।